बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही डिफरेंट वेब सीरीज़ है ये। 1990 से 2000 के बीच की कहानी है, और दो राइवल फैमिलीज़ हैं जो एक मतलब एक उत्तमगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पर उनका पूरा मजमा है। तो उस तरह की उन दोनों की राइवलरी में जो होता है, जो कहानियाँ हमारी चलती हैं, उसमें कौन से कैरेक्टर के साथ क्या होता है, दैट्स द होल स्टोरी। ऐसा जानना चाहूंगा कि पॉपुलर टीवी शो के पार्ट रहे हैं, इतना बड़ा नाम है टेलीविजन में, वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको कितना ज्यादा लुभा रहा है, क्या लग रहा है कितना फ्यूचर है इसका? अच्छा लगता है मुझे लगता है वेब सीरीज इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आजकल जो कहानियाँ टीवी पे या फिल्मों में नहीं बता पाते हैं लोग, वो वेब सीरीज में दिखा पाते हैं। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो टीवी और फिल्म की दुनिया के बीच में जो जगह है, जहाँ जो नो मैंस लैंड हुआ करती थी, उसको ये भर रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बाहर आ पाएंगी जो दर्शक वैसे शायद नहीं देख पाते टीवी या फिल्म के माध्यम से। तो इस शो के निर्माता ने जब आपको कॉन्सेप्ट आपके पास गया तो कितना ज़्यादा आपको अपीलिंग लगा इनका तरीका और इनका प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा आपको लुभाया बहुत उस अच्छा अंदर? लगा, तभी तो यहाँ बैठा हूँ मैं, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, ये सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। कहानी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ अजय नाम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। ये एक बहुत ही रियल कैरेक्टर है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं कहेंगे इसको, ये बहुत रियल कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा आपके साथ और भी आर्टिस्ट हैं, इकबाल भाई हैं हूँ। और भी जाने माने आर्टिस्ट हैं, उसके जी में जी कहिए कितना ज़्यादा एक क्वेश्चन अच्छा होगा जब शूट इट्स करेंगे एन तो? ऑनर फॉर मी टू बी वर्किंग विद सच ग्रेट आर्टिस्ट। इकबाल भाई इज अ डियर फ्रेंड और आई लुक अप टू हिम एज अ बिग ब्रदर। एंड बाकी जितने भी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे कास्ट में हमारी, दे आर ऑल प्रूवन आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज। सर आपसे चाहूंगा, निशांत सर का इतना नाम है टीवी इंडस्ट्री में, आपसे आपके प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, आपके लिए कितनी गर्व की बात है या कितनी खुशी मिल रही है आपको? देखो मेरे लिए तो इतनी गर्व की बात है कि मैं भाई के साथ बैठा हूँ और इन्होंने हाँ किया हमारे काम। नहीं, जो सच है वो बता सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम तो नए हैं, हमें तो कुछ नहीं था। जब भाई मिले और लोग मिले तो हमें बहुत उत्साह हुआ और हम जो इतना करना चाहते थे तो हमने अब और ऊपर सोचा फिर जब इनका साथ मिला अच्छा, तो। लेकिन ये भी उम्मीद करेंगे जो भी कैरेक्टर आप दे रहे हैं इनको, उसको कितना ज़्यादा जस्टिस दे पाएंगे निर्माता के तौर पर? ये तो आप लोग भी जानते, हम भी जानते, भाई तो बेस्ट है बिल्कुल इसके लिए। थैंक यू। ऑल राइट।